एक पंप देख पंप लो पहले आप लोग को ये बैक वाइड करना है तो ये सर एक्सरसाइज करो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा आपका ये बैक वाइडर दिखेगा चौड़ा दिखेगा पीछे से आप टी शर्ट तो बिल्कुल सेप में आपका बॉडी दिखेगा स्टार्ट करते भाई लोग लोग कैसे हो आप स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में तो भाई लोग आज आपको भाई बताएगा कि बैक चौड़ा कैसे बनाए भाई बैक आप लोग चाहते हो कि भाई कम टाइम के अंदर हम चाहते हैं कि बैक हमारा वाइडर दिखे जिससे टी शर्ट वीशर्ट पहने तुम्हारा पीछे से जो वी से बन के आता है वो अच्छा दिखे भाई और कम टाइम में कैसे सही होगा घर पर बिना इक्विपमेंट के बिना जिम के सारा कुछ उपाय आपको भाई बताएगा तो चाहिए हम लोग को क्या चाहिए वाइडर बैग चाहिए चौड़ा बैग चाहिए जिससे कि हमारा पीछे का जो पूरा सेप है बैक का वो पूरा वी सेफ दिखे और कहीं चले तो पीछे से भी तगड़ा रहे बैकअप आपका तगड़ा रहेगा चेस्ट आपका तगड़ा रहेगा तो आपका ऑल ओवर पर्सनैलिटी बवाल लगेगा मस्त लगेगा कौन कौन सा एक्सरसाइज करना होगा सारा कुछ वीडियो में देखेंगे हम लोग किस तरीके से बैक को वाइड किया जा सकता है पीछे से वीस से अच्छा तरीके से लाया सक, ला जा सकता है जिसके कारण हमारा बॉडी और 200 परसेंट और बेहतर दिखेगा और खूबसूरत दिखेगा तो कौन कौन देखो सा, देखो सा देखो साथ में फॉलो करो और कोई कॉडी हो पूछना गौरव फिटनेस के आप लोग पूछ सकते हो किस तरीके से एक्सरसाइज करना नहीं करना सारा कुछ मैं उधर आकर क्लियर कर दूंगा स्टार्ट करते दिया वीडियो भाई साथ में फॉलो भी करना स्टार्ट करते वीडियो तो पहला एक्सरसाइज होगा भाई कोई सा भी आप अगर पुलअप्स लगाना है तो आप पुलअप्स लगा सकते हो कोई सभी छज्जे पे या फिर कोई आपके पास पुलअप बार है तो पुलअप्स लगा लोगे जिससे कि पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जैसे सिंपल पुलअप्स लगा देते तो अब बैक के लिए पुलअप्स लगा लोगे आपका बैक अच्छे तरीके से पंप हो जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करना है जो हमको ईट के साथ वो सारा कुछ एक्सरसाइज मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूँ आपके पास अगर डंबल है तो डंबल के साथ लगाओगे अगर आपके पास डंबल नहीं है तो ईट के साथ परफॉर्म कर सकते हो रिप्लेसन ज़्यादा करके उस पर फर्क डाल सकते हो पहला एक्सरसाइज हमारा सिंपल होगा क्या इस तरीके से आपको बेंड होना है ठीक है चेस्ट सामने की तरफ रख के कोर स्ट्रेट रखना है और पीछे से पूरा पीछे ले जाके वन टू थ्री फोर फाइव साथ में करते रहो सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन रिलैक्स ये हमारा एक्सरसाइज नंबर सेकंड होगा पहला तो सिंपल आप करोगे कोई सा भी पुलिस वगैरह जैसे कि अपने बैक को अच्छी तरीके से पंप करो कर लो दूसरा नंबर एक्सरसाइज कोई सा भी ईट डंबल को सामने रख के इस तरीके से चेस्ट को सामने की तरफ रख के और बैक को स्ट्रेट रख के इस तरीके से पूरा पीछे लेके आना है और अपने बैक पे काम करना इस तरीके से ये एक साथ करोगे पंद्रह रेपरसेंट बीस रुपये नहीं कम से कम तीस चालीस रेपरसेंट क्योंकि हम तो मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए पंद्रह लगा रहा हूँ आप लोग तीस पैंतीस लगाओगे क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए उससे कुछ आप फर्क डालना चाहते हो तो ज़्यादा रेपरसेंट आपको लगाना पड़ेगा और कम से कम तीन सेट नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा क्या होने नेक् वाला है भाई ईट के साथ ही अभी दोनों ईट को रखेंगे सामने की तरफ इस तरीके से कंबाइन कर लेंगे ठीक है जिससे कि थोड़ा सा वजन हो जाएगा आप चाहो तो तीन ईट भी रख सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है सामने की तरफ रख के पूरा पीछे ले आके बैक स्क्वीज़ बस ध्यान रखना है आपको कि आपका जो फोकस है वो सारा का सारा बैक पे होना चाहिए सामने की तरफ आपका पोजिशन उसी तरीके से रहेगा सर सामने सामने से पूरा पीछे वन टू पूरा पीछे ले आएंगे पूरा लोअर एब्स तक नीचे पेट के नीचे वाले हिस्से तक लाना है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी अभी क्या होगा हमारा सारा फोकस यहाँ पे हो रहा है ग्रिप हमारा इस तरीके से और पीछे ले जाके हमारा सारा का सारा फोकस बैक भी पर पड़ रहा है जो अभी आप वेट का इस्तेमाल करोगे चाहे डंबल हो चाहे ईट हो चाहे बैग हो चाहे बुक हो चाहे भी कोई सा भी सामान हो कोई सा भी बकेट हो करना कि आपको फोर्स आपका रखना चाहिए पूरा पेट के बिल बिल्कुल ही नीचे नीचे लाना है जिससे कि पूरा आपका फोकस जनरेट टेंशन जनरेट हो आपके बैक वाले मसल पे बैक बैक वाला मसल आपका काम हो पाए अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो घर पे एक्सरसाइज करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ डंबल है तो बेस्ट है डम्बल से करोगे हैवी वेट डम्बल एडिप्रेशन कम लाइट वेट डम्बल एडिप्रेशन ज़्यादा जिससे कि कम टाइम में आपको फर्क पड़े नेक्स्ट एक्सरसाइज बैक के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंपल डेड लिफ्ट की तरह जाना है हमको बट ज़्यादा नीचे नहीं जाना है जिससे कि हेमस्ट्रिंग में फर्क पड़े बट थोड़ा सा नीचे अप थोड़ा सा नीचे अप दो तीन जिससे कि सिर्फ हमारा बैक इंगेज हो और तुरंत तुरंत रिस्ट भी नहीं मिल देना है हमको फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दिखाऊंगा आपको वर्कआउट के बाद किस तरीके का बैक हमारा पंप हमारे पम्पुक है जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ कुछ काम का एक्सरसाइज है नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन रिलैक्स बैक पे आप काम अच्छे तरीके से हो रहा है वर्कआउट के बाद दिखाऊंगा ये हमारा एक्सरसाइज हो गया नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा क्या होगा सिंपल बैक के लिए पहला ध्यान से रिपीट कर लेते हैं एक बार क्या क्या किया हम पहला हमारा था सिंपल यहाँ पे दोनों वेट रहेगा पीछे ले जाके बैक स्क्वीज फिर दोनों वेट को क्लोज ले आएंगे फिर पेट के पास ले आकर बैक स्क्वीज इस तरीके से जिससे कि हमारा चेस्ट हमारा बैक वाइडर हो चौड़ा हो इस तरीके से तीसरा हमारा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा हमारा सिंपल यहाँ रख के ऊपर डेड लिफ्ट की तरह लगाना है डंबल के साथ ठीक है डंबल रोज डंबल रोज लगाएंगे अभी बाद में बट डेड लिफ्ट की तरह यहाँ पे रख के अब यहाँ पे रखें आप क्योंकि जब भी घुटना से नीचे जाने लगोगे तो आपका ये इंगेज होना शुरू हो जाएगा हेम ये जो ना शुरू हो जाएगा ट्राई करके देखो सिंपल अगर आप यहाँ तक आओगे तो आपका बैक इंगेज होगा आप वो रखो तो और घुटने से नीचे जाने लगोगे घुटने के पास तक जाने लगोगे नीचे तो आपका ये हेम स्ट्रिंग इंगेज होना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है सिंपल डम्बल रोज हाथ यहाँ पे पोजीशन आपका इस तरीके से रहेगा को कोठाओ इस तरीके से पूरा नीचे लेके जाओ शोल्डर इधर ही रहेगा शोल्डर को ज़्यादा नीचे नहीं मतलब आपका ये जो बैक है ये पोस्टर आपका इसी तरीके से रहेगा ज़्यादा नीचे नहीं झुकाना है जैसे पूरा बैक स्क्वीज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन रिलैक्स अभी वापस दूसरे साइड से ये हमारा हो गया डंबल रोज तो रेपटेशन हमारे पास ईट है अगर आपके पास लाइट वेट है कोई बोटल से एक्सरसाइज कर रहे हो उस बोट से ही सेम एक्सरसाइज कर रहे हो तो रेपटेशन भाई आपको बढ़ा के रखना होगा चालीस पैंतालीस हिसाब से रखना होगा बैक पे काम अगर करना चाहते हो तो रेपटेशन बढ़ाओ सेट बढ़ाओ जिससे कि आप कुछ फर्क डाल पाओ फालतू में आप दस पंद्रह बोलूंगा आप करते हो बट उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है जब तक हाई रेपटेशन नहीं लगाओगे ज़्यादा रिपटेशन नहीं लगाओगे तो ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज वही सेम एक्सरसाइज का दूसरी साइड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रिलैक्स ये हमारा हो गया डंबल रोज जिससे कि हम डम अपने बैक पे सारा कुछ काम किए हैं तो ये हमारा सारा एक्सरसाइज एक सिर्फ और एक सिर्फ कैसी पे टारगेट कर रहा है हमारे बैक वाले मसल पे बैक वाले मसल को अच्छा कर रहा है अभी लास्ट में इसको ईट को डंबल को जो भी है उसको साइड करेंगे और लगाएंगे दो एक्सरसाइज जिससे कि हमारा बॉडी वेट के साथ लगाएंगे और ये लास्ट में एक्सरसाइज होगा हमारा जिससे कि हमारा वर्कआउट जिससे हम वर्कआउट को फिनिश करेंगे ठीक है सामने की तरफ हाथ रहेगा पाँव को ऊपर रखेंगे जिससे कि सारा फोकस जनरेट होगा हमारे बैक वाले मसल पर सामने से पूरा पीछे के जाओ और जो आप बैक पे जो भी काम किए हो सार आपको पता चल जाएगा इस एक्सरसाइज में कि कितना फोकस हो पा रहा है बैक पे क्या किसे काम पर चल रहा है सामने से पीछे जाके बैक स्क्वीज वन Back क्विज two, Back क्विज three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. लास्ट एक्सरसाइज सिंपल आगे हाथ रख के पाँव ऊपर करके होल्ड करो पाँच सेकंड तक पाँच चार तीन दो एक फिर साइड पे ले जाओ ऊपर पाँच चार तीन दो एक फिर पीछे ले जाओ ऊपर पाँच चार तीन दो एक रिपीट करो सामने पाँच चार तीन दो एक ऊपर पाँच चार तीन दो एक बैक में पाँच चार तीन दो एक रिलैक्स बस हो गया ये सर एक्सरसाइज करो अगर आपको चाहिए वाइडर बैक चौड़ा बैक चाहते हो आप लोग कि बैक वाइडर दिखे भाई बैक कैसे हमारा वाइड हो जिससे कि हमारा टी शर्ट वी शेर शर्ट पहने तो हमारा पीछे से फीस से अच्छा दिखे ये सारा एक्सरसाइज करो काफ़ी है अगर आप लोग करोगे रेपेशन अच्छा रखे 40-50 रिपटेशन खींचते हो सिंपल अगर ईट से भी खींचते हो अगर हो पा रहे हैं तीन चार सेट रिजल्ट आपको तुरंत देखना स्टार्ट हो जाएगा प्लब्स ऐड करना है प्लस नहीं होगा भाई क्योंकि हाथ थोड़ा सा इंजर्ड है बाकी आप लोग प्लब्स भी इसमें ऐड करो कोई सा भी दिवाल पर छज्जा पे आपके प्लब बार है तो बेस्ट है सारा कुछ करो बेलते कर वीडियो तो स्टे सेफ स्टेल दी सारा एक्सरसाइज करो बैक तक रखा करना सारा वीडियो देखो ठीक है भाई लोग